हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 18.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड एंड क्यूब। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 18.1 का ये पार्ट टू है। पार्ट वन मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें हमने क्वेश्चन वन से लेकर क्वेश्चन फाइव तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और हाँ, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो बच्चे आरडी शर्मा की बुक का लेटेस्ट एडिशन खरीदना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके खरीद सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि यहां पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की, और इसका मीनिंग देख लेते हैं कि मीनिंग क्या होगा। यहाँ पर बोला गया है थ्री इक्वल क्यूब्स आर प्लेस्ड एडजेसेंटली इन ए रो। तो इसका मतलब है कि तीन आपके क्यूब हैं, इक्वल हैं। इक्वल का क्या मतलब है, अगर एक की साइड आपकी ए है तो दूसरे की भी ए होगी, तीसरे की भी ए होगी, यानी साइड सबकी सेम होगी, है ना। और उनको एक साथ रखा गया है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो ये पहला वाला आपका क्यूब है, ये आपका दूसरा वाला है, और ये आपका तीसरा वाला है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसकी साइड को मैंने लेट कर लिया है कि ए है, तो इसका मतलब है इसका ब्रेथ भी ए होगा और इसका हाइट भी ए होगा। इसके बाद बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूबॉइड टू दैट ऑफ द सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द थ्री क्यूब्स। तो बच्चों, अगर आपको क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में नहीं पता, इनके कंसेप्ट के बारे में नहीं पता, तो आप मेरी इससे पहली वाली वीडियो देख सकते हैं, पार्ट वन। उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया है कि क्यूब एंड क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है, उनका जो कंसेप्ट है वो डिटेल में मैंने वहां पर समझाया है। तो चलिए, अब आपको यहां पर अंडरस्टैंड करना है कि आपको क्या फाइंड करना है। तो यहां पर पूछा गया है आपसे रेशो, है ना। रेशो किस चीज का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूबॉइड। जो नया क्यूबॉइड बना है, क्यूबॉइड कैसे बना है, तीन क्यूब्स को आपने जोड़ दिया है तो ये बन गया आपका एक क्यूबॉइड, है ना। पहले आपके ये सिंगल सिंगल क्यूब थे, अब आपने जोड़ दिए हैं तो ये आपका एक क्या बन गया, क्यूबॉइड। इसके बाद क्या करोगे, टू दैट ऑफ द सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द थ्री क्यूब्स। तो यहां पर आपको तीन क्यूब गिवन है, पहले वाले का टोटल सरफेस एरिया निकाल लोगे, दूसरे वाले का टोटल सरफेस एरिया निकाल लोगे, तीसरे वाले का निकाल लोगे, और तीनों के टोटल सरफेस एरियाज को आपस में ऐड कर दोगे। तो इसका मतलब है आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड, जिसको हमने नाम दे दिया टोटल सरफेस एरिया वन, है ना। जो तीन क्यूब हैं इनको आपस में जोड़कर आपका एक बन चुका है क्यूबॉइड, इसका टोटल सरफेस एरिया, है ना, जो टोटल आपका एक सिंगल क्यूबॉइड बना है उसका टोटल सरफेस एरिया। तो नीचे आपका क्या रहेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ थ्री क्यूब्स, है ना, इसका टोटल सरफेस एरिया, दूसरे वाले का और तीसरे वाले का, तीनों का आपको ऐड कर देना है, उसको नीचे लिख देना है। इसको हमने नाम दे दिया है टोटल सरफेस एरिया टू। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड के लिए क्या होता है, टू इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं नए क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के बारे में। जो नया क्यूबॉइड है इसकी लेंथ होगी 3a। 3a कैसे होगी, आप यहां पर देख सकते हैं एक क्यूब की जो लेंथ है वो है a, दूसरे की भी a है, तीसरे की भी a है। तो टोटल लेंथ ऑब्वियसली आप तीनों को ऐड कर दोगे तो यहां पर आपको नई लेंथ मिल जाएगी क्यूबॉइड की 3a। ब्रेड्थ आपकी सेम रहेगी, है ना, a, और हाइट भी आपकी सेम रहेगी a। तो ये आपकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है नए क्यूबॉइड की। तो सिंपली आपको इन सभी वैल्यूज को TSA 1 में पुट कर देना है। ओके, जैसे मैं यहां पर पुट कर देता हूं, L का वैल्यू आप जानते हैं 3A है, तो आपको यहां पर लिख देना है 3A, ब्रेड्थ आपकी A होगी, आप यहां पर देख सकते हैं। तो इसी तरीके से इन वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए, A इंटू A प्लस A इंटू 3A। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, आप सॉल्व कर लेना इसको, 14A स्क्वायर निकल के आ जाएगी। ओके, तो ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड। जो नया वाला क्यूबॉइड है जो तीन क्यूब को मिला के बना है, इसका टोटल सरफेस एरिया आपका 14a स्क्वायर निकल चुका है। तो चलिए अब फाइंड कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ थ्री क्यूब्स, दैट मींस TSA 2। तो यहां पर आ जाते हैं, अगर एक क्यूब को हम लेते हैं तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 6a स्क्वायर, है ना। दूसरे का भी कितना होगा, 6a स्क्वायर। तीसरे का भी टोटल सरफेस एरिया आपका होगा 6a स्क्वायर, क्योंकि साइड सबकी सेम है। तो अब सिंपली आपको क्या करना है, यहां पर बोला गया है सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द थ्री क्यूब्स। तो सिंपली आपको क्या करना है, तीनों का सरफेस एरिया आपको ऐड कर देना है,
है ना, पहले वाले का, ये आपका पहले वाले का है, दूसरे वाले का भी आप इसमें ऐड कर दीजिए और तीसरे वाले का भी टोटल सरफेस एरिया आप ऐड कर दीजिए, है ना, बहुत सिंपल है। तो यहां पर सिंपली आपको इनको ऐड कर देना है। ऐड करने के लिए आप देख सकते हैं कि तीनों टर्म्स आपकी सेम है, तो इसका मतलब है तीन बार लिखा गया है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ओके, तो ये आपका आ जाएगा 18a². तो जैसे ही आपका TSA1 और TSA2 निकल जाता है उसके बाद आपको सिंपली रेशियो निकाल लेना है। तो मैंने यहां लिख दिया है TSA1 आपका निकल चुका है 14a² मैंने यहां पर लिख दिया, और उसके बाद 18a² TSA2 नीचे लिख दिया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो a² से a² आपका कट हो जाएगा और ये सॉल्व होके आ जाएगा आपका 7:9। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अ 4 cm³ इज कट इनटू 1 cm³, कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल दी स्मॉल क्यूब्स। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं इसका मतलब क्या है। आपके सामने एक क्यूब है जिसकी साइड है 4 cm, है ना, लेट्स से आपका ये वाला क्यूब है जिसकी साइड है 4 cm इज कट इनटू 1 cm³, यानी कि इसको छोटे छोटे क्यूब्स में हमने डिवाइड कर दिया है जिसकी साइड होगी 1 cm। लेट से एक आपका यहाँ पर ये क्यूब है, तो इस तरीके से इस क्यूब में से छोटे छोटे 1 cm के जिसकी साइड 1 cm होगी वो हमने यहाँ पर अलग से निकाल लिए हैं, डिवाइड कर लिए हैं। इसके बाद आपको बोला गया है कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल दी स्मॉल क्यूब्स। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पास जो बड़ा वाला क्यूब है इसमें से जो छोटे छोटे आपने क्यूब निकाले हैं उन सब का टोटल सरफेस एरिया आपको यहाँ पर निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इस 4 cm वाले क्यूब में से आपने कितने छोटे छोटे क्यूब आपने यहाँ पर निकाले हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो सरफेस एरिया होता है क्यूब का, लेट्स से यहाँ पर हम इसका निकाल लेते हैं, ये जो बड़ा वाला क्यूब है इसका सरफेस एरिया हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, या फिर कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, ओके। तो इसका फॉर्मूला होता है 6 a². ए इज नथिंग बट द साइड ऑफ दिस क्यूब। तो साइड यहाँ पर गिवन है 4 cm, आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ पर 4 cm आपको यहाँ पर गिवन है। तो इसमें सिंपली यहाँ पर पुट कर दिया आपने और फाइंड कर लिया इसका टोटल सरफेस एरिया 96 cm². अब आपको क्या करना है, जो 1 cm वाला क्यूब है इसका टोटल सरफेस एरिया हमको निकाल लेना है। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ से छोटे छोटे आपके क्यूब्स आने वाले हैं, जो बड़ा वाला क्यूब है इसको कट करने के बाद, तो 1 cm वाले क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 6 a², है ना। जैसे आपकी ये जो साइड है गिवन है 1 cm, है ना, देखो यहाँ पर गिवन है 1 cm, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6 × 1 × 1, ए का जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमने पुट कर दिया, तो ये आ गया आपका 6 cm². अब आपको इमेजिन करना है, इमेजिनेशन पावर को थोड़ा सा डेवलप करना है कि कितने नंबर ऑफ क्यूब्स आप यहाँ पर कट कर सकते हैं इस वाले क्यूब में से, है ना। जैसे ये जो पिक्चर है इसमें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्यूब्स आप कट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, 64। तो आप निकाल लेंगे सरफेस एरिया ऑफ 64 क्यूब्स ऑफ साइड 1 cm, है ना। इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे आपको मालूम चल गया कि 64 क्यूब्स हैं, तो आप 1 cm वाला जो आपका क्यूब है उसका सरफेस एरिया से इस टोटल नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, तो आपके पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ 64 क्यूब्स। सो 384 इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द लेंथ ऑफ ए हॉल इज 18 m एंड द विड्थ इज 12 m, यानी कि एक हॉल गिवन है उसकी लेंथ 18 m है और जो ब्रेथ है चौड़ाई है वो है 12 m। तो मान लेते हैं आपके सामने ये है आपका हॉल, दैट मीन्स ये क्या है, क्यूबॉइड है, लेंथ और आपकी ब्रेथ डिफरेंट है, दैट मीन्स आपका क्यूबॉइड होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं दिस इज योर लेंथ एंड दिस इज योर ब्रेथ एंड दिस इज योर हाइट। इसके बाद आपको बोला गया है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड द फ्लैट रूफ इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फोर वॉल्स। तो इसी बात को मैंने यहां पर लिख लिया है, इसको एक बार यहां पर देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। देखो यहां पर जो सम गिवन है वो किस किस का गिवन है, आप देख सकते हैं फ्लोर और रूफ का, ठीक है, जो एरियाज हैं आपके फ्लोर और रूफ के, क्यूबॉइड की यहां पर बात हो रही है हॉल की, तो इसका मतलब है कि ये आपका क्या हो गया, फ्लोर, है ना, जो नीचे वाला पोर्शन है बॉटम है ये आपका हो जाता है फ्लोर, और जब हम रूफ की बात करेंगे तो ये आपकी छत हो जाती है, ठीक है, जो टॉप है। तो यहां पर हमने रिप्रेजेंट कर लिया है हॉल के फ्लोर एंड रूफ को। अब बात करते हैं एरियाज की, है ना, जो आपका फ्लोर है और रूफ है उनका एरिया आपका सेम होगा दोनों का, कैसे सेम होगा, अगर हम बात करें जो आपका फ्लोर है, ठीक है, जो नीचे वाला पोर्शन है बॉटम है,
अगर इसका एरिया हम बात करें तो ये आपकी लेंथ है ना, दिस इज योर लेंथ, और ये आपकी ब्रेड्थ है यानी कि विड्थ है, चौड़ाई है, तो इस फ्लोर का एरिया हो जाएगा बी इंटू एल, है ना। आप देख सकते हैं ये आपका एल है और ये आपका बी है, बी इंटू एल विल बी द एरिया फॉर द फ्लोर, और यही एरिया आपका होगा इस रूफ का, दैट मीन्स बी इंटू एल शुड बी द एरिया फॉर द रूफ ऑल्सो, क्योंकि ये भी आपका एल है और ये भी आपका एल होगा, है ना, ये भी आपकी मेजरमेंट एल होगी और ये आपका बी होगा, दैट मीन्स जो चौड़ाई है ये आपकी बी होगी। तो आप यहां पर दोनों के एरियाज को सम करके यहां पर लिख दोगे, है ना, बी इंटू एल प्लस बी इंटू एल, है ना, इसी बात को यहां पर बोला गया है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड द रूफ। कितना सिंपल था, सिंपली आपको यहां पर डिनोट करना है बी कौन सा है, एल कौन सा है, एच कौन सा है, और जो जो यहां पर बोला गया है उसके हिसाब से आपको यहां पर लिख देना है। या फिर आप अगर इसको नहीं लिखना चाहते, इस फिगर को रिप्रेजेंट करना नहीं चाहते, तो आप इमेजिन करके इजीली आप यहां पर लिख सकते हैं, लेकिन इमेजिन भी आप तब कर पाओगे जब आपने काफी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा होगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बोला गया है सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फोर वॉल्स, तो इसका मतलब है ये जो हॉल है इसकी जो चार दीवारें हैं, है ना, इन सब का एरिया आपको निकालना है वन बाय वन, और उसके बाद आपको यहां पर सम कर देना है। तो चलिए अब एरिया फाइंड कर लेते हैं, ये जो वॉल्स हैं इनका एरिया हम यहां पर फाइंड कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये आपकी पहली दीवार है, तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ आपकी एल है और हाइट आपकी एच है, तो इसका एरिया होगा आपका एच इंटू एल, है ना, तो ये पहली दीवार का आपका एरिया निकल चुका है। तो अब यहां पर देखिए, ये जो आपकी पहली दीवार है इसके जस्ट अपोजिट में जो वॉल है, कौन सी वाली, ये वाली, ये जो वॉल है आपकी जिस पर मैं पेन चला रहा हूं, ये आपकी पीछे की तरफ है जस्ट, है ना, ये जो पीछे की तरफ है इसको मैंने नाम दे दिया वॉल नंबर टू, तो इसका एरिया भी आपका बिल्कुल सेम होगा, दैट मीन्स प्लस एच इंटू एल, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो इसको टू एच एल, है ना, एक ही बात है। इसके बाद आपको जो बची हुई दीवारें हैं उसका एरिया आपको फाइंड करना है, तो लेट्स से कि ये आपकी तीसरी दीवार है, तो इसका एरिया कितना होगा, ये आपकी ब्रेड्थ है, ओके, जो नीचे है, और ये आपकी हाइट है ना, बी इंटू एच आप इसको लिख सकते हो, बी इंटू एच। तो यहां पर आपको ध्यान देना है जो थर्ड वॉल है उसके जस्ट अपोजिट में आपकी वॉल नंबर फोर होगी, है ना, और इन दोनों का एरिया आपका सेम होगा थर्ड एंड फोर्थ वॉल का, बी इंटू एच, तो इसका भी एरिया आप क्या लिख दोगे, बी इंटू एच, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं इन दोनों को एड करके टू बी एच, है ना। तो चलिए इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लिया है, तो यहां से आप h का वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्योंकि आपको हाइट ही निकालनी है हॉल की, तो h का वैल्यू आपका हो जाएगा, आप यहां से निकाल सकते हैं एल बी अपॉन एल प्लस बी, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका यही आएगा, ठीक है, टू से टू आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद आप h का वैल्यू फाइंड कर लोगे, l और b की आप वैल्यू यहां से रख सकते हैं, ये गिवन है ऑलरेडी, है ना, 18 एंड 12, तो आप वैल्यू रखने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं 18 इंटू 12 अपॉन 18 प्लस 12, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 216 डिवाइडेड बाई 30, और इसको सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 7.2 मीटर। सो दिस इज द हाइट ऑफ द हॉल, ठीक है, ये आपकी हाइट फाइंड होके यहां पर आ चुकी है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का भी है, तो आप इस पर ध्यान देना। हामिद हैज बिल्ट अ क्यूबिकल वाटर टैंक विद लिड फॉर हिज हाउस विद ईच अदर एज 1.5 मीटर लॉन्ग। देखिए इसका मतलब है कि हामिद ने एक क्यूबिकल वाटर टैंक बनाया है, ओके, और इसकी साइड है 1.5 मीटर, तो इसको आप यहां पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे, 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट मीन्स यहां पर आपकी साइड आ जाएगी 150 सेंटीमीटर, ओके, यहां पर मैंने ऑलरेडी इस बात को लिख दिया है। इसके बाद बोला गया है ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। देखिए यहां पर बोला गया है जो आपका आउटर सरफेस एरिया है उसमें आपको बेस छोड़ देना है, ठीक है, जो बेस है वो आपको छोड़ देना है। जब आप टोटल सरफेस एरिया काउंट करोगे तो दैट मीन्स आपको एक साइड नहीं लेना है, है ना, तो आप जो टोटल सरफेस एरिया होगा, ठीक है, जो टैंक है आपका वो क्या होगा, 5 इंटू साइड इंटू साइड आप इस तरीके से निकालते हो, 6a², है ना, तो आप यहां पर किस तरीके से निकालोगे, एक आपका साइड नहीं है, दैट मीन्स 6 - 1, तो आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू ए इंटू ए, दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक।
इसी बात को मैंने यहां पर लिख दिया है और ये आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल वाटर टैंक कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर, यानी कि बाहर से उसको स्क्वायर टाइल से कवर किया गया है, उसकी साइड है 25 सेंटीमीटर। ओके, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, अगर हम एक टाइल का एरिया निकालें तो 25 × 25 होगा, क्योंकि आपकी टाइल जो है वो क्या है, एक स्क्वायर की फॉर्म में है। तो यहां पर आप निकाल लेंगे इसका एरिया ऑफ वन टाइल, दैट मींस 620। इसके बाद आप फाइंड कर लोगे टोटल नंबर ऑफ टाइल्स, है ना। एरिया ऑफ वन टाइल आप निकाल चुके हो, टोटल सरफेस एरिया भी आपको मालूम चल चुका है वाटर टैंक का, तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ वन टाइल से आप डिवाइड कर दोगे टोटल सरफेस एरिया को, तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आ जाएंगी, दैट मींस आपकी 180 टाइल्स यूज होने वाली हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स इफ द कॉस्ट ऑफ टाइल्स इज ₹360 per dozen। तो 1 dozen का यहाँ पर वैल्यू गिवन है, कॉस्ट गिवन है ₹360। 1 dozen का मतलब है कि आपकी 12 टाइल है। ओके, तो यहां पर आप 1 टाइल का जो कॉस्ट है वो आप निकाल लोगे, ऑब्वियसली इसको डिवाइड कर दोगे 12 से, तो ये आपका 1 टाइल का कॉस्ट आ जाएगा ₹30। और आपको निकालना है हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर दी टाइल्स, यानी कि टाइल्स के लिए उसने कितना खर्चा किया। देखिए, आप टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आप फाइंड कर चुके हो 180, ओके, और एक टाइल का जो कॉस्ट है वो भी आप फाइंड कर चुके हो ₹30। तो इसका मतलब है 180 × 30 आप कर दोगे तो टोटल कॉस्ट आपकी निकल आएगी, है ना। यानी कि 180 टाइल्स हैं और उनका जो टोटल खर्चा है वो कितना होगा, ₹5,400। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। बात करते हैं आज की वीडियो के आखिरी सवाल की, क्वेश्चन नंबर 10 की। इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50% देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। तो यहां पर बोला गया है कि एक क्यूब है जिसकी साइड को, ठीक है, जितनी भी एज है उन सब को इंक्रीज कर दिया गया है बाय 50%, है ना, 50% बढ़ा दिया गया है। तो इसका मतलब है एक नया क्यूब बन जाएगा, है ना। ओरिजिनली इसकी साइड थी, मान लीजिए कि आपकी एज है ए, लेट कर लिया, और यहां पर जो नया क्यूब है उसकी साइड आपकी क्या होगी, 50% इंक्रीज करके आएगी। तो यानी कि 50% किसका बढ़ाया गया है, जो ओरिजिनल आपकी साइड है उसी का 50% बढ़ाया गया है। तो हमने यहां पर लिख दिया 50% ऑफ ए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस 1/2 × a। तो इसको आप सॉल्व करके लिख लोगे 3a/2। तो ये आपकी आ जाएगी नए क्यूब की नई साइड या फिर नई। इसके बाद आपसे बोला गया है देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया इज, यानी कि जो सरफेस एरिया है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है परसेंटेज, है ना। आपको यहां पर बताना है जो सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया के बारे में यहां पर पूछा गया है। तो सिंपली आप यहां पर जो आपका पुराना वाला क्यूब है इसका सरफेस एरिया कितना होगा, अगर हम यहां पर सरफेस एरिया की बात करें तो इसका सरफेस एरिया आप सिंपली यहां पर लिख सकते हैं, हमने इसकी साइड को माना था ए, तो 6 × a² आपका ये सरफेस एरिया हो जाएगा, है ना। और जो नया वाला क्यूब है इसके लिए सरफेस एरिया कितना होगा, वही फॉर्मूला होगा 6 × a², तो a का वैल्यू आपका क्या है, 3a/2, है ना। जो यहां पर a निकल के आया है, या कह सकते हैं कि जो नया साइड है वो आपका आया है 3a/2, है ना। तो यहां पर a² की जगह क्या रख दोगे, 6 × 3a/2 का होल स्क्वायर, है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 27/2a². ओके, दिस इज योर न्यू सरफेस एरिया फॉर दिस न्यू क्यूब। तो आपसे पूछा है परसेंटेज इंक्रीज इन दिस सरफेस एरिया, तो आपको क्या करना है, जो नया क्यूब है इसका जो सरफेस एरिया निकल के आया है इसमें से पुराने वाले का सरफेस एरिया आप माइनस कर दोगे, जिससे आपके पास डिफरेंस आ जाएगा कि कितना सरफेस एरिया आपका इंक्रीज हुआ है। उसके बाद आप क्या निकालोगे, परसेंटेज इंक्रीज। ओके, तो चलिए इसको मैंने लिख लिया इंक्रीज इन दी सरफेस एरिया। तो इस वाले सरफेस एरिया को मैंने नाम दे दिया SA1 और इसको दे दिया SA2। तो क्या करना है, SA2 में से माइनस कर देना है SA1 को। तो मैंने क्या किया है, 27/2a² में से माइनस कर दिया 6a² को, है ना। तो सिंपली आपका डिफरेंस निकल के आ जाएगा कि जो सरफेस एरिया में डिफरेंस हुआ है, है ना, जो आपका यहां पर साइड हमने इंक्रीज किया है 50%, उसके बाद जो आपका यहां पर सरफेस एरिया निकल के आएगा वो क्या होगा, 15/2a². इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यही आएगा। तो फाइनली आपको निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो ये आप कैसे निकालते हैं, आपको यहां पर लिखना पड़ेगा सबसे ऊपर जो आपका
डिफरेंस निकल के आया है, ठीक है, जो एरिया आपका इंक्रीज हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं इन दो सरफेस एरियाज का डिफरेंस, यहां पर आपको लिखना है, और नीचे लिखना होता है आपका ओरिजिनल सरफेस एरिया, है ना, और परसेंटेज निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आपका कट हो जाएगा, और यहां पर आप लिख लेंगे 15/12 × 100, तो ये आ जाएगा आपका 125%। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।